नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कार क्वेस्ट में। मेरा नाम है विनय कंबोज और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा इस निसान मैग्नाइट गीजा एडिशन के बारे में और जानेंगे कि क्या कुछ एक्स्ट्रा आपको मिलता है इस एडिशन के अंदर। और अभी मैं हूँ निशान करनाल के शोरूम में। अगर आप निशान का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहे हैं तो जो डीलर के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, आप वहाँ से डीलर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट इस कार के वेरियंट से करते हैं। टोटल आपको 4 वेरियंट यहाँ पर मिलेंगे, जो स्टार्टिंग रहेगा XE देन XL। और इन दोनों वेरियंट्स के ऊपर हमने एक डिटेल्ड वीडियो किया हुआ है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। देन आपको ये मिलेगा XL गीजा एडिशन, क्योंकि ये जो एडिशन है ये बेस्ड है XL वेरिएंट के ऊपर। तो कुछ एक एसेसरीज यहाँ पे लगी हुई हैं, वही मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। देन उसके बाद आ जाएगा XV और टॉप वेरिएंट है XV प्रीमियम। कलर ऑप्शंस की बात करें तो टोटल 5 कलर ऑप्शन आपको मिलेंगे। ये जो है इसका ब्लैक कलर, और ब्लैक कलर के अंदर जो गाड़ी है काफ़ी ज़्यादा शानदार यहाँ पे लग रही है। इसके अलावा आपको वाइट, सिल्वर, ब्राउन और रेड, तो ये टोटल 5 कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। और जो 5 के 5 कलर्स हैं ये सभी आपको सिंगल टोन के साथ मिलेंगे। अगर आप ड्यूल टोन कंसीडर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको टॉप वेरिएंट्स जो हैं वो कंसीडर करने पड़ेंगे। तो आइए अब शुरुआत करते हैं इस कार के फीचर्स से। तो शुरुआत इसके प्राइस से करता हूँ। तो अगर आप XL कंसीडर करते हैं तो XL का जो एक्शोरूम प्राइस है 7,04,000 उसका एक्शोरूम प्राइस है। और अगर आप ये गीजा एडिशन कंसीडर करेंगे तो इसके लिए आपको 35,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जिसके बाद इसका एक्शोरूम हो जाएगा 7,39,000। और अगर आप डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो XL पे ऑलरेडी हमने डिटेल्ड वीडियो किया हुआ है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसको डिटेल में चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर सिर्फ मैं आपको बताऊंगा कि गीजा एडिशन के अंदर आपको क्या मिलेगा और जो 35,000 दी है तो उसके अंदर आपको क्या कुछ मिलने वाला है। तो एक्सटीरियर में जब आप देखेंगे तो एक्सटीरियर में कोई भी चेंजेस नहीं मिलेंगे। फ्रंट जो है वो बिल्कुल सेम आपको मिलने वाला है, साइड प्रोफाइल जो है वो बिल्कुल सेम है, और रियर जो है वो भी बिल्कुल सेम रखा गया है। तो XL और इस गीजा एडिशन के अंदर कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। जो डिफरेंस है वो सिर्फ अंदर की तरफ आपको मिलेंगे, तो अंदर हम चल पड़ते हैं। सबसे पहला जो डिफरेंस है, जैसे ही आप डोर ओपन करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे जो स्पीकर्स हैं वो आपको JBL के मिलते हैं, तो JBL की बैजिंग जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद जो डिफरेंस आपको मिलता है वो है इसके अंदर की तरफ। सो अंदर जब बैठते हैं तो सबसे पहले आपका ध्यान जाएगा इसके सेंट्रल कंसोल में। तो यहीं पे एक मेन डिफरेंस है, वो ये कि आपको यहाँ पे ये 9 इंचेस का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, जिसके अंदर आपको जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पे वायरलेस मिलने वाली है, लेकिन सिर्फ एंड्रॉयड ऑटो के लिए, आपको एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी यहाँ पे नहीं मिलेगी। और इसी के साथ आपको जो कैमरा है वो यहाँ पे मिल जाता है, तो रिवर्स कैमरा आपको मिलेगा। क्वालिटी जो है इस कैमरा की वो ठीक रखी गई है। अभी इसके ऊपर जो गार्ड है वो स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है, इस वजह से थोड़ा आपको फील होगा, लेकिन जो क्वालिटी है वो डिसेंट यहाँ पे रखी गई है। इसके साथ में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलती है, और उसके लिए आपको यहाँ पे ये जो आप माइक देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे माइक लगा हुआ है, तो ये आपको दिखाई देगा। उसके बाद एक आपको जो डिफरेंस मिलेगा, एक जो आपको एक्स्ट्रा फीचर मिलेगा, वो नीचे की तरफ, ये जो आप देख रहे हैं ना नीचे, ये जो यूनिट लगी हुई है ये बेसिकली एम्बियंट लाइट की जो यूनिट है वो यहाँ पे लगाई हुई है, तो एम्बियंट लाइट जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो ये सारी फिटमेंट जो है आप बाहर से भी करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फ़ायदा आपको क्या है वो ये कि आपको यहाँ पे वारंटी जो है वो आपको ब्रांड की तरफ से मिलेगी। अगर आप बाहर से इंस्टॉल कराते हैं तो कहीं ना कहीं वारंटी की दिक्कत जो है वो आपको रहने वाली है। एक चीज़ जो मुझे फील हुई वो ये कि ये जो स्पेस है यहाँ पे ये बड़ा ज़्यादा कम है। अभी जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो सिर्फ इतना स्पेस मुझे यहाँ पे मिल रहा है, मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मेरे पैर जो हैं बड़ी ज़्यादा क्लोज यहाँ पे ये हैं, और जब मैं अगर थोड़ा लंबा ड्राइव करूँगा तो मुझे फुटरेस्ट चाहिए, तो ये मेरा पैर जो है वो साइड में नहीं जाएगा, मुझे यहाँ पे जो पैर है अपना वो रखना पड़ेगा। तो मुझे ये कमी लगी, क्योंकि इसको बड़ा ज़्यादा एक्सटेंड किया हुआ बाहर की तरफ और उसको भी बड़ा ज़्यादा एक्सटेंड किया हुआ है इधर बाहर की तरफ। तो ये इसके इंटीरियर्स की बात होगी। आगे इसके इंजन और सेफ्टी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इन्वॉल्व परफ्यूम्स के बारे में। और अगर आप अपनी कार के लिए एक प्रीमियम परफ्यूम परचेज़ करना चाहते हैं तो आप परचेज़ कर सकते हैं इन्वॉल्व परफ्यूम्स। और ये जो फ्रेगरेंस है ये स्प्लैश फ्रेगरेंस है, और अभी आप सामने जो देख रहे हैं ये फाइबर परफ्यूम है। इसके अलावा आपको जेल फ्रेगरेंसेज और एयर परफ्यूम्स भी मिलते हैं। टोटल आपको 75+ फ्रेगरेंसेज जो है वो इन्वॉल्व ऑफर करता है, और ये जो परफ्यूम है मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि इसकी ओवरऑल जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है और हम काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रहे हैं, तो परफ्यूम जो है वो काफ़ी बेहतर है। अगर आप परचेज़ करना चाह रहे हैं तो इसको परचेज़ कर सकते हैं, और हमारा कोड यूज़ कर लीजिएगा कारक्वेस्ट, तो आपको एडिशनल डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाएगा इस परफ्यूम पे। तो आइए अब बात कर लेते हैं इस कार के सेफ्टी के बारे में और इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में।
सो सेफ्टी की बात करें तो इस कार को ग्लोबल एनकैप के अंदर 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। आपको ड्यूल एयरबैग्स, ड्राइवर साइड, पैसेंजर साइड, ABS ब्रेक्स विद EBD, व्हीकल डायनेमिक कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स और इस गीजर एडिशन के अंदर आपको रिवर्स कैमरा जो है वो भी यहाँ पे मिलने वाला है। अब बात करते हैं इंजन के बारे में। तो ये जो वेरियंट है सिर्फ आपको 1.0 लीटर्स नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ मिलने वाला है। तो ये जो इंजन आउटपुट जनरेट करेगा 72 PS की और जो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा 96 न्यूटन मीटर का। ट्रांसमिशन जो है सिर्फ आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कंक्लूजन की कि क्या आपको ये गीजर एडिशन जो है वो कंसिडर करना चाहिए या नहीं, क्योंकि आपको जो है वो पे कर रहे हैं आप यहाँ पे 35,000 एक्स्ट्रा और मेरे हिसाब से जो वो आपको यहाँ पे मिल रहा है, जैसे जो म्यूज़िक सिस्टम है आपको वो मिल रहा है 9 इंचेस का टच स्क्रीन जिसके अंदर आपको एंड्रॉयड ऑटो की कनेक्टिविटी भी मिल रही है, ठीक है, साथ ही आपको रिवर्स कैमरा भी यहाँ पे मिल रहा है, JBL के स्पीकर्स मिल रहे हैं, एम्बियंट लाइट। तो जो आप अमाउंट पे कर रहे हैं उतने की ये जो गाड़ी है वो वर्थ करती है। तो अगर आप XL कंसीडर कर रहे हैं तो थोड़ा अमाउंट आप एक्स्ट्रा करके इसको परचेज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको बाहर से कराना पड़ेगा। तो अगर आप XL कंसीडर कर रहे हैं तो आप बिल्कुल इसको कंसीडर कर सकते हैं, इसके गीजर एडिशन को। तो ये था हमारा एक डिटेल्ड वीडियो इस गीजर एडिशन पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।